ఇది ఇండియాస్ బెస్ట్ ఫర్టిలిటీ హాస్పిటల్ 49 అంటే సంతానం 49 అంటే సంతోషం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ వెల్కమ్ బ్యాక్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున ఎల్బీ స్టేడియం లో ఇఫ్తార్ విందు ఏర్పాటు చేశారు ఇఫ్తార్ విందు కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పాల్గొన్నారు అక్కడి నుంచి లైవ్ చూద్దాం వజీర్ ఆలా కే చంద్రశేఖర్ రావు సాహెబ్ ఆప్ సబ్సే ముఖాతిబ్ ఫర్మాయేంగే रियासत के वजीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब मंच पर तशरीफ लाए हुए हमारे दूसरे मिनिस्टर्स एमपीस एमएलएस मौजीज इमाम साहिबीन हमारे टर्की और ईरान कॉन्सुलेट के हमारे गेस्ट भाइयों बहनों मैं आपको सबको सलाम करता हूं तेलंगाना रियासत एक 7 साल पहले बहुत ही बेहाल रियासत था हमारे पास ना पीने को पानी थे ना बिजली था ना किसान के लिए पानी दे सकते थे बेहाल हमारा हालत था अल्लाह का फजल है आप तमाम लोगों का ताउन है आप तमाम लोगों का ताईद भी मिला है भरपूर तरीके से और 8 साल के अंदर 7.5 साल में आज सारा ही हिंदुस्तान अंधेरे में है तेलंगाना एक जगमगाता रियासत चमक रहा है आज पूरे हिंदुस्तान में पीने का पानी हो किसानों के लिए पानी हो फसलों की उगाई हो बहुत ही अच्छी तरक्की तेलंगाना रियासत ने हासिल किया है अभी आते आते मैं हमारे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चों से मुलाकात करके आया सारे हिंदुस्तान लेवल पे जिस तरीके से तेलंगाना रियासत में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल चलाए जा रहे हैं जनाब एके खान साहब अभी मुझे बता रहे थे कि इसी तरीके से इसी को कॉपी करके पूरे देश में लागू करना चाहिए ये बात हो रही है इस बात से हमको बहुत खुशी मिलती है कि तेलंगाना 7-7.5 साल के अंदर इतना कंस्ट्रक्टिव काम करके देश के लिए कई चीज़ों में एक मिसाल बन रहा है जहाँ तक बिजली का सवाल है बहुत ही किल्लत थी लेकिन हिंदुस्तान का इकलौता राज्य है इकलौता रियासत है जहाँ 2400 घंटा क्वालिटी पावर हर सेक्टर को दिया जाता है यही नहीं हमें और कुछ ज़्यादा कुछ करना है हम कुछ कर पाए रियासत में हालचाल ठीक है मैं एक बात आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा कि मरकज़ में ज़रा गड़बड़ है वहाँ कुछ बीमारी फैली हुई है उसको ठीक करना है हम भी हिंदुस्तान के हिस्सा है देश ठीक है मुल्क ठीक है तो हम भी ठीक है हमारा पर कैपिटा इनकम था तेलंगाना का 1,24,000 रुपये 2014 में आज हमारा पर कैपिटा इनकम है 2,02,78,000 रुपीज़ हमारे में आधा परफॉर्मेंस आधा का काम भी मरकजी सरकार नहीं कर पाया हमारा जीएसडीपी 11.5 लाख करोड़ है 11.5 लाख करोड़ है अगर हिंदुस्तान के लेवल के जो मरकजी सरकार होता है वो हमारा बराबर का भी काम करता तो ये 11.5 लाख नहीं 14.5 लाख होना चाहिए था यानी कि मरकज कमज़ोर है तो हम भी कमज़ोर हो जाएंगे मरकज में गड़बड़ है तो हमारा भी गड़बड़ हो जाएगा देशवासी होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है किसी भी तरीके से अगर देश बिगड़ रहा है देश में बदहाली पैदा किया जा रहा है खुसूसन किया जा रहा है उसको रोकना हमारा काम है देश को किसी भी हालत में खराब नहीं होने देना है मुझे पूरा आशा है भगवान अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा होता है वो हर चीज़ का गवाह होते हैं
कुछ ताकतें कुछ कर बिगाड़ने के, कुछ गड़बड़ करने के काम करते हैं, इंशाल्लाह वो कभी कामयाब नहीं होंगे। तोड़ फोड़ना बहुत आसान है, लेकिन किसी चीज़ को तामीर करना बड़ी मुश्किल है। आज बेंगलुरु जैसे सिलिकॉन वैली ऑफ अमेरिका जो कहलाता है, वहाँ किस प्रकार का जहर फैलाया जा रहा है हम देख रहे हैं। ये हर जगह हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग साफ कह रहे हैं, पूरी जनता से, जनता भी समझने लगे, जो लोग हैं दानिशमंद लोग हैं वो सारे समझने लगे, आगे चल के खुलेआम निकलने वाले हैं। इस प्रकार से देश को फिर से हमको संभालना पड़ेगा, देश का भलाई के लिए सबको कमर कसीटना होगा। इंशाअल्लाह हम भी आप तमाम लोगों के दुआओं से, जिस किस्म से हमने तेलंगाना रियासत हासिल किया और इसको इस तरक्की के मंजिल पे पहुंचाया, उसी तरीके से हिंदुस्तान के तरफ भी नज़र करेंगे, इसमें कोई शक की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हमारे को अच्छी मुकाम मिलेगी, अच्छी जगह मिलेगी, कुछ हम भी इस देश के लिए काम आ सके। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, फिर से ईद से पहले तो मैं आपसे फिर मिल नहीं पाऊँगा, इस मुकद्दस मुबारक महीने का और रमजान ईद का मैं आप तमाम लोगों को दिली मुबारक बात पेश करता हूँ। तेलंगाना ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को मैं रमजान का मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं मेरे बात खत्म करने से एक ही बात कहना चाहूँगा, बुरी ताकतें हमेशा धरती पे देखने को मिला, बुरी ताकतों का कुछ तमाशा दिखता है कुछ दिन के लिए, लेकिन आगे चल के जो तामीर बड़ी ताकतें होते हैं, तामीर के चाहने वाले होते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं और इंसानियत कभी ख़त्म नहीं होता। इंसानियत आगे चल के भी एक दूसरे को मदद करते हुए प्यारा अच्छा एक ज़िंदगी हमको हासिल होगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। खुदा हाफिज़।